एब्जॉर्प्टिव पावर क्या चीज है, हमने कर ली, एब्जॉर्प्टिव पावर है फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, खत्म, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज एब्जॉर्प्टिव पावर। इसका सिंबल क्या है, स्मॉल ए। कई किताबें अब डिफरेंट ऑथर की भी पढ़ सकते हो, वो अल्फा भी यूज कर सकता है, मतलब लेके मत आना सर ये अल्फा आपने कराया नहीं, ये अल्फा और ए एब्जॉर्प्टिव पावर है, तो नाम पढ़ लेना, उसमें लिखा भी तो होगा ना वेयर अल्फा इज एब्जॉर्प्टिव पावर। तो एब्जॉर्प्टिव पावर का मतलब फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। नेक्स्ट है एमिसिव पावर, एमिसिव पावर डिफरेंट है, ये चौथा वेरिएबल है, एक आर है, एक ए है, एक टी है, और अब एक ई भी आ गया, छोटा ई, छोटा ई का नाम क्या है, एमिसिव पावर। कोई भी बॉडी जब हमसे एनर्जी ले लेगी, अब वो क्या करेगी, बाहर फेंकेगी, एमिट करेगी, एमिट कर देगी, वो कितनी एनर्जी एमिट करेगी अपने अंदर से बाहर फेंकेगी, पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, इसको क्या बोलते हैं, एमिसिव पावर स्मॉल ई। तो स्मॉल ई का मतलब क्या है, एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, इसके यूनिट्स हैं जूल, मीटर स्क्वायर, सेकेंड, या फिर जूल पर सेकेंड को क्या लिख सकते हैं, वॉट, वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर, एक ही बात है। तो अब हमने क्या कर लिया, एक आर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड, एक स्मॉल ए फ्रैक्शन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड स्मॉल टी, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड, एक स्मॉल ई एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, ये फ्रैक्शन नहीं है भाई, ये एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया डिफरेंट है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन नहीं है, ये एनर्जी एमिटेड है, एनर्जी जूल में आएगी, ये वो फ्रैक्शन में थी आर ए टी, उसमें ले नहीं सकते, ठीक। अब एक स्पेशल उसको इंपॉर्टेंस दी गई है परफेक्टली ब्लैक बॉडी को, जो एग्जिस्ट नहीं करती, मैंने बताया फिर भी, तो उसका परफेक्टली ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर का सिंबल चेंज यूज करके करते हैं हम, जिसको कैपिटल ई लिखते हैं, मतलब यही है इसका, कैपिटल ई का मतलब है एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, लेकिन फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अब यहां पर एक क्वेश्चन स्टूडेंट पूछते हैं कि एक तरफ आप कह रहे हो कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्ब करती है, फिर वो एमिट कहां से करने लग गई, फिर वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी कैसी हुई, क्योंकि परफेक्टली ब्लैक बॉडी सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, एमिट तो कुछ करेगी नहीं, तो फिर एमिसिव पावर कैसे आ गई उसकी। अब यह भी एक इमेजिनरी है कि अगर आपकी ब्लैक बॉडी ने एनर्जी हमसे ले ली, लेती गई, अब मैंने कहा चल अब एक काम कर एमिट करके दिखा, तो अब उसकी जो एमिसिव पावर आएगी वो कैपिटल ई होगी, अगर मैं अलाउ करूंगा कि इमेजिनेशन में कि चल अब तो एमिट कर, तो उसकी एमिसिव पावर को बड़े ई से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वही है एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया, बस सिंबल अलग है, मतलब अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा जिसमें एमिसिव पावर यूज करनी होगी परफेक्टली ब्लैक बॉडी की, वहां लिखा होगा कैपिटल ई, और किसी भी बॉडी की कोई कलर और कलर होगा तो उसमें स्मॉल ई, रेशियो सेम है और फॉर्मूला सेम है। ये करने की आपको जरूरत नहीं है, नोट कोई रिक्वायर्ड नहीं है, काट सकते हो, इसमें से कुछ नहीं आएगा। अब